अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आप सभी दोस्तों को पहले जुमा मुबारक। एक छोटी सी बात है, अगर समझ सको तो समझो। जो लोग अब तक पठान फिल्म का बायकॉट कर रहे थे, उनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। आफ्टर पठान रिलीज, पठान फिल्म देखने के बाद, उसके रिलीजिंग के बाद, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। सिनेमा का एक दौर था, वो कहीं खोसा गया था। जितने भी सिनेमा हॉल थे, थिएटर थे, सूने पड़ गए थे। लेकिन पठान ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया, जो थिएटर बंद पड़े थे उनको ओपन किया गया। उसके बाद में सीटियों की, तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। लॉकडाउन से पहले हम ये चीज़ें देखा करते थे, थिएटर में जाके सुना करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सिनेमा मर सा गया था। तो मुबारकबाद देना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए शाहरुख खान का, जिसकी वजह से हमारा सिनेमा जिंदा हो गया। एक बार हम फिर से थिएटर में, हॉल में जाके तालियां और सीटियां बजा सकें, इंजॉय कर सकते हैं। उसको बायकॉट मत करो। कई लोगों की रोजी रोटी चल गई, कई लोगों के चूल्हे जल गए। वैसे चूल्हे जलाने वाला, रोजी रोटी देने वाला खुदा है, भगवान, ईश्वर है, भाई गुरु है, ऊपर बैठा वो है, लेकिन जरिया शाहरुख खान बना। तो ऐसी फिल्म को, ऐसे इंसान को बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा। वो पठान है, मुसलमान है, लेकिन है तो हिंदुस्तानी, ये बात याद रखना। उसने सिनेमा जिंदा किया, तो हमें उसका साथ देना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और भी एक्टर अगर ऐसी फिल्म बनाते हैं, तो हमें उनका भी साथ देना चाहिए।